जोमेटो डिलीवरी बॉयज की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने तीन लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि जोमेटो डिलीवरी बॉयज ने 2 दिन पहले अंबाला पुलिस को यह शिकायत सौंपी थी कि रास्ते में उनके साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लुटेरों द्वारा उनसे मोबाइल फोन छीना गया है और साथ में ऑर्डर भी छीना गया है, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिसके बारे में जानकारी देते हुए अंबाला पुलिस ने बताया कि जोमेटो डिलीवरी बॉयज की तरफ से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके साथ रास्ते में 3 लुटेरों द्वारा बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस मामले में उन्होंने 3 युवकों को पकड़ा है, जिनसे उन्होंने लूट का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवकों ने पहले भी एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। हमारे पास 25 तारीख को एक कंप्लेंट आई थी जोमेटो डिलीवरी बॉय की तरफ से कि उनके उसके पास एक कोई ऑर्डर आया खारूखेड़ा के आसपास का एरिया का। तो जब वो ऑर्डर को वहाँ देने आया तो 3 लड़कों ने गन पॉइंट पे उससे पैसे छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया और उसका जो ऑर्डर था वो भी छीन लिया और उसको वहाँ से भगा दिया गन पॉइंट पे। तो कंप्लीट के बाद हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी और जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर हमने 3 लड़के अभिषेक, गौरव और कृष्णकांत, इन तीनों को अरेस्ट किया गया और इनसे मोबाइल और कैश बरामद किया गया और एक एयरगन पिस्टल थी जो इनके पास, वो बरामद की गई। इससे पहले भी इन्होंने 2-3 दिन पहले भी एक वारदात महेशनगर के एरिया में की थी, यही इन्हीं लड़कों ने ही एक मोबाइल और कुछ पैसे डिलीवरी बॉय से छीने थे। सारे ही खुड्डा और इसके आसपास के महेशनगर एरिया के रहने वाले हैं।